बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एयरमैन 2023 टेस्ट एक्सपीरियंस पार्ट नंबर 7। पहला सवाल है जी, बाई इज़ यूज्ड फॉर, बाई किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाई का मतलब दो लिया जाता है, मोनो का मतलब वन, बाई का मतलब टू, उसके बाद ट्राई, ठीक है, डाई, ये सारे जो हैं यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल नंबर, जिनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, वो कौन से होते हैं। तो एक से जो स्टार्ट होते हैं, एक दो तीन चार, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए होल नंबर की, तो होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर इसमें नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर दिया जाए तो अब हमारे पास होल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें आपके पास इवन नंबर जो दो के टेबल पर चले जाते हैं, दो चार छः आठ दस, ठीक है, ये होते हैं इवन नंबर। उसके बाद ओड नंबर, ये सारे आपने तैयार करके जाने हैं। तो ये मैथ वाली सीरीज़ में मैं जो वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हो, उसमें सारे ये समझाए हुए हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ टू थ्री टू टू इज़ इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन दरअसल इस तरह है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा था, तो ये मैट्रिक्स टू थ्री टू टू, ठीक है, ये इस तरह है। तो इसका डिटर्मिनेंट आपने निकालना है। तो जब भी किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, तो इस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया फोर, और दरमियान में अपनी तरफ से माइनस निकाल लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फोर माइनस सिक्स जब किया जाएगा, तो आपके पास जो माइनस टू है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इस तरह निकालते हैं। उसके बाद है जी अगला सवाल आपके पास, आर्टिस्ट इज़ टू ब्रश देन स्क्राइब इज़ टू पेन। आर्टिस्ट जो बनाता है वो ब्रश इस्तेमाल करता है, देन स्क्राइब, स्क्राइब होता है लिखने वाला, ठीक है। तो लिखने वाला क्या चीज़ इस्तेमाल करता है, पेन। तो यहाँ पे देखें, आर्टिस्ट जो है ब्रश इस्तेमाल करता है अपनी जो भी है पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। उसके बाद स्क्राइब जो है लिखने वाला है, वो अपना जो है पेन इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है आपके पास साउंड इंटेंसिटी रेंज फॉर मैन, तो 20 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएशन इन विच वन क्वान्टिटी इज़ इंक्रीजिंग एंड अदर इज़ डिक्रीजिंग इज़ कॉल्ड। तो वेरिएशन, ऐसी वेरिएशन जिसमें एक जो क्वान्टिटी है वो बढ़ रही हो बाकी कम हो रही हो, तो उसको हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। ये सवाल पीछे भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जी दो दर्जी मसावात को। तो यहाँ पे ये जो दर्जा होता है, एक्स की जो पावर होती है सबसे बड़ी, वो उसका दर्जा कहलाती है। अगर एक होगी तो एक दर्जी मसावात, दो होगी तो दो दर्जी मसावात, तीन होगी तो तीन दर्जी मसावात कहलाएगी, ठीक है जी। तो एक्स की पावर डिपेंड करती है कि उसकी इक्वेशन की जो मतलब है कि वो क्या कहलाएगी, कौन सी इक्वेशन होगी, उसका दर्जा क्या होगा। ऑपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का ऑपोजिट क्या होता है जी, फास्ट। नेक्स्ट है जी इफ़ एंगल इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें, जब भी एंगल क्लॉकवाइज बनता है ना हमारा, तो उसकी डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे देखें ज़ीरो नाइन्टी वन एटी टू सेवेंटी, ठीक है, 270। तो यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज इस तरह घूमते हैं, तो जब इस तरह घूमेंगे तो एंगल जो है नेगेटिव होगा, उल्ट बनेगा, ठीक है। और इस तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फिर वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है जी इफ़ एंगल इज़ एंटी क्लॉकवाइज इज़ कॉल्ड डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इन टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन दे आर कम्फर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखें मल्टीप्लाई करने के लिए रोज़ और कॉलम की तादाद जो है इक्वल होना लाजमी है। देखें एक मिसाल है टू टू थ्री फाइव, तो यहाँ पे है, तो इनको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो कॉलम और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है, तो इनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो इन दोनों की रोज़ और कॉलम की तादाद का इक्वल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके पास अ पर्सन राइट इट्स ओन स्टोरी इज़ कॉल्ड, वो इंसान जो अपनी स्टोरी खुद लिखता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोग्राफी कहते हैं, ऑटोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हु डैश इन प्लेग्राउंड कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पे आपने आपके ऑप्शंस में फॉर्म दिए होंगे, इंटर इंटर या और तरह से इज इंटर, ठीक है, तो इस तरह आपको दी होंगी, तो यहाँ पर इंटर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास असलम इज़ ऑलरेडी डैश देन हिज फ्रेंड, तो टॉलर आएगा। यहाँ पर देखें अगर एक बंदे की बात की जाए ना, मतलब अगर असलम की बात की जाती, असलम इज़, ठीक है, तो टाल आता। ये मैं आपको फॉर्म्स की बात बता रहा हूँ कि कहाँ पे टाल लगना है, कहाँ पे टालर लगना है। अगर दो का कंपेयर किया जा रहा है, आप देखें असलम का इसके दोस्त के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो सेकंड फॉर्म यानी टालर आएगा, ठीक है, सेकेंड आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर, तो मतलब
ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। असलम इज़ टालेस्ट इन द क्लास, मतलब पूरी क्लास से सबसे बड़ा है, तो टालेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह स्मॉल के लिए स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अगर एक चीज़ का बताया जा रहा है तो स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। अगर दो का कंपेयर किया जा रहा है स्मॉलर आ जाएगा, तीन का या ज़्यादा का किया जा रहा है तो स्मॉलेस्ट आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल, बिग, ठीक है, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। इसी तरह जो रिच, रिच, रिचर, रिचेस्ट, इस तरह के जो भी अल्फाज हैं वो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपके पास आएगी विच इज़ डिफरेंट, तो इनमें से डिफरेंट आपने बताना है काओ, हैन, बुल, मेयर। तो यहाँ पे जो है बुल है वो आपके पास डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो है वो फेमिनर है और ये मस्कुलर है। यहाँ पे बुल जो है वो बैल को कहते हैं, मेल है, ठीक है। और बाकी जो है ये इसको घोड़ी के, मेहर का मतलब घोड़ी होता है, हैन का मतलब मुर्गी होता है, और काओ का मतलब गाय होता है। तो ये फीमेल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, फीमेल जेंडर में आती हैं। तो यहाँ पे बुल जो है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आपके पास वोल्ट होता है। फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग डे टाइम। ऑपोजिट ऑफ इमिच्योर, इमिच्योर का जो ऑपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे ओल्ड भी ऑप्शन में हो सकता है और मिच्योर भी, तो इन दोनों को आपने जहन में रखना है। इफ़ मैथ ऑफ बोब इंक्रीज बाय 3 टाइम, देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम रिमेन सेम। नेक्स्ट है जी आपका विल आई हैव डैश मोर कॉफ़ी, लिटल मोर कॉफ़ी आएगा। तो नेक्स्ट है आपके पास यू कॉन्ट लिव विदाउट डैश, तो यहाँ पे जो होगा वो आपके पास ईटिंग आ जाएगा। डैश यू आर लेज़ी यू विल लेट, इफ़ यू आर लेज़ी, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होंगे आपको यहाँ पे इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन के सेंटेंस है वो आनी चाहिए। यहाँ पे जो है इफ़ यू आर लेज़ी, अगर आप सुस्त रहे तो आप लेट हो जाओगे। नेक्स्ट है जी आसमा इज़ द परफॉर्मर सो ही परफॉर्म्ड नाइसली। ऑपोजिट ऑफ कंपोज्ड, कंपोज होता है जी किसी चीज़ को इकट्ठा करना, तो इसका ऑपोजिट यानी इसका जो उल्ट है या इसका मुतजाद है वो क्या होगा जी, सेपरेट यानी अलग करना। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट वी प्लेस कॉपर इनसाइड मैग्नेट फील्ड, अगर हम मैग्नेट फील्ड के दरमियान में कॉपर जो होती है कॉपर को लगा दें, इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस तरह बनेगी, इनसाइड द पाइप होंगी जी। तो ये थे सवाल, उम्मीद है आपको तमाम सवालात की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर इनमें कोई डाउट होता है या मज़ीद आप सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।